होटल का लॉबी, हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। ये हमारा की, ये हमने खोला और एंटर्ड हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है होटल 5 स्टार, कहाँ पे? रेडिसन ब्लू अंधेरी में। तो चलिए हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड हमारा वॉशरूम, राइट साइड कबर्ड। कबर्ड पूरा मिरर से लैस है। चलिए आपको दिखाता हूँ कबर्ड के अंदर क्या है। ओहो, हैंगर बहुत सारे। वाह, ये हमारा लॉकर, बहुत सही है। अब कुछ सामान ला रहे हो अपने साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लॉकर में रख सकते हो। ज्वेलरी, कैश, जो भी हो। कैरी बैग, स्लीपर्स, उसके साथ शूज वगैरह क्लीन करने के लिए भी दिया गया है। बोर्ड, आयरन एंड ऊपर कुछ भी नहीं, खाली, बट अगेन बहुत बड़ा कबर्ड है। अब देख सकते हो मिरर भी बहुत शानदार है इसका। अभी हम हमारे लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पे है वॉशरूम। वॉशरूम भी काफी बड़ा है दोस्तों, अब देख सकते हो। एंट्री करते ही पहले एक बड़ा सा मिरर, लैंप, अगेन वन लैंप। ये हमारा शेविंग मिरर, यहाँ पे टिश्यू पेपर दिया है, आप हाथ वॉश करने का टिश्यू पेपर से धो सकते हो, पोंछ सकते हो। अगेन एक छोटा सा सोप, यहाँ पे 2 ग्लास दिए हैं, अगर मॉर्निंग में गागल करना है इससे गर्म पानी भी आता है। डेंटल किट, वैनिटी किट, शावर जेल, कैप, और यहाँ पर आप देखते 3-3 क्यूट से बॉटल रखे हुए हैं। ये है शैम्पू, यह है बॉडी वॉश और यह है बॉडी लोशन। हमारे लेफ्ट साइड है कमोड विथ टॉयलेट पेपर, अगेन टेलीफोन और एक बड़ा सा पेंटिंग जो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे राइट साइड में है यहाँ पे बाथरूम, सबसे बेस्ट, बड़ा स्पेसेस तो लग रहा है। ऊपर शावर दिया गया है इन्होंने, और ये टॉवल, और यहाँ पे भी 2 टॉवल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और यहाँ पे हेयर ड्रायर इस वाले में है, ये नहीं है कुछ भी। ओके, वॉशिंग का भी स्पेशियस है, देख सकते हो, एंड शावर के लिए ऊपर, ये प्योर कांच है। रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। ये पूरा वीडियो दिखाता हूँ मैं भी आपको होटल का। ये है बड़ा सा रूम, काफ़ी स्पेसियस रूम है यहाँ पे भी। ये बहुत बड़ा बेड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक डेस्क है, आई गेस इसमें कुछ होगा। ओके, ये खाली, कुछ नहीं है। अगेन वन लैम्प, जो लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेड के साइड, ये साइड आ जाते हैं हम, एक डेस्क, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। टीवी रिमोट, ये छोटा सा नोटपैड अगर आपको कुछ लिखना है, टेलीफोन, ये मेरा है, ये सब मेरा है बाकी का। अगेन वन लैम्प, जो लुक वाइज बहुत अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे एक सोफ़ा दिया हुआ है, और ये मैंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 2 बॉटल पानी पीने का, एक छोटा सा टेबल, वहाँ पर भी एक लैम्प दिया, एक बड़ा सा खिड़की देख सकते हो आप। और यहाँ पे फिलहाल बारिश हो रही है, आप नज़ारे देखो बारिश के। यहाँ का जो स्ट्रीट आप
अभी बाहर से दिख नहीं रहा बट एकदम स्ट्रेट देखोगे तो वो है मुंबई एयरपोर्ट, और हमारे सामने ही मेट्रो स्टेशन है। राइट साइड में अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए चाय सामग्री, चाय के लिए सामान कॉफ़ी, बट मुझे चाय पसंद है तो मैं अभी चाय बना के पीऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा चाय। और नीचे है ओके ये मिनी फ्रिज, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ नहीं होगा हमेशा की तरह। ओके इन्होंने इस बार बॉटल रखा है, दैट्स ग्रेट। ये साइड भी कुछ है खाली, ये भी खाली। ओके ये टाइम सब खाली है, पर ग्लास कप सब दिया है आपको, अगर 2-3 जन 4 जन हो तो भी आराम से पी सकते हो। एक बड़ा सा टीवी, अभी तक मैंने चेक नहीं किया स्मार्ट टीवी है या नॉर्मल टीवी है, तो जब मैं चेक करूंगा तो आपको बताऊंगा। और ये मेरा लगेज, मशीन इसमें हमने डाला पानी और इसको हमने छोड़ दिया गर्म होने, मशीन स्टार्ट, जब तक वो गर्म होता है तब तक हम इसमें कॉफी और शुगर मिक्स कर लेते हैं। ये आया नेस्कैफे की कॉफी, अब हम इसमें डालेंगे पाउडर, मिल्क पाउडर। रियली टफ थिंग टू टेल दिस कॉफी, हमने एक डाल लिया शुगर, हम 2 पैकेट डालेंगे शुगर, तो ये हमने हम डालेंगे 2 पैकेट शुगर। ये चीनी भी जरूरी है यार, बिना मीठे के तो कॉफी का मजा ही नहीं। हमारा पानी गर्म हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से स्टीम निकल रहा है, देख रहे हो आप स्टीम निकल रहा है, इसको ऐसे प्रेस करें और ये निकल गया। हम इसमें डालेंगे जितना कॉफी पीना आपको उसी तरह से पानी आप भर दे, तो मैं ऑलमोस्ट पूरा भरने वाला हूँ, मुझे थोड़ा कॉफी ज्यादा चाहिए। ये उन्होंने स्टरर दिया हुआ, ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि सारे होटल नहीं देते है, विच आई लाइक पर्सनली। ये हमारी शानदार मस्तदार कॉफी बनके रेडी है, अब देख सकते हो, अब पी के बताता हूँ मैं कैसी बनी है। वरुण हमेशा अच्छी कॉफी बनाता है, तो हेलो दोस्तों, जिसका आप वेट कर रहे थे फाइनली मैं बता रहा हूँ कि होटल का प्राइस मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, उससे पहले आप मुझको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या ऐड करना चाहिए, या जैसा आप बोलोगे कोई सजेशन आप दे सकते हो मुझे इसके लिए।
तो गाइस ये होटल है रेडिसन ब्लू मुंबई इंटरनेशनल अंधेरी में। तो इसकी कॉस्टिंग पड़ी मुझे दो जन की बुकिंग 7,258 रुपीस। ये सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड था और ये प्राइस डिफर होता है डे बाई डे, आप देख सकते हो प्राइस इसमें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने लॉबी पे, तो आपको बताता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है इंक्लूडेड है, आपको सब दिखाऊंगा मैं लॉबी में। तो चलिए मिलते हैं लॉबी में। हेलो दोस्तों, आ गया मैं फिर से। तो आज मैं आपको स्विमिंग पूल का व्यू दिखाने आया हूँ, आप पहले नज़ारा देख लो मेरे बैग से कितना मस्त है। हम अभी 12th फ्लोर पे, और 12th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है इनका। देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ अपर डेक बैठने के लिए और यहाँ पे भी बैठने के लिए, ऊपर से बारिश भी हुई है। पूरा व्यू देखो आप यहाँ से, वो सामने एयरपोर्ट है। हेलो दोस्तों, तो हमारा नाश्ता हो गया, स्विमिंग पूल एरिया घूम के हो गया, तभी मैं फिर से आया हूँ अपने लिए कॉफी बनाने के लिए, और अपने सिस के लिए कॉफी बनाने का, फिर हम 12 बजे चेकआउट कर देंगे। तो चलिए कॉफी बनाते हैं। मैंने सिस्टम वाले में ऑलरेडी डाल दिया था शुगर। शुगर भी हमने डाल दिया,
अब बचता है हमारे पास है ओको, हमारे पास है ब्राउन शुगर भी, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। वापस मैंने बॉइलिंग के लिए डाल दिया पानी और ये बॉइल हो गया है। अच्छा है, थोड़ा शक्कर कम है। हे दोस्तों, तो टाइम आ गया है हमारा चेकआउट का, तो ये अच्छा सा नज़ारा देख लीजिए होटल का, बाहर का। हमारा लास्ट डे कंप्लीट होना है, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। फाइनली चेकआउट टाइम।